तो मैं अभी आ गया हूँ आपके सामने अपनी तीसरी वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाऊंगा। इस बार मैं कुछ खोलूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आप सबके सामने एक डेमोंस्ट्रेशन करूंगा कि चीज़ें कैसे बनी थी। तो आई हैव दिस मेटालिक मोटर बाइक। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है देखने में एट द फर्स्ट लुक, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। एंड अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो घर पर भी बना सकता है इसको। सिर्फ एक चीज़ कंस्ट्रेंट होगा, वेल्डिंग। बट वेल्डिंग आप कहीं भी आसपास जाके वर्कशॉप में कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक को मेल्ट करके चिपका सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। सारा स्पेयर पार्ट है, सारा स्क्रैप है, तो इसीलिए ये और फन है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ रिसाइकल्ड एंड अच्छा दिखता है, लाइक इट लुक्स कूल। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा कलेक्टिबल आइटम है, मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली ऐसी चीज़ें अपना टेबल टॉप पे रखने के लिए या फिर रूम में डेकोरेशन के लिए। इट्स अ बाइक, बेसिकली इट इज़ मेड फ्रॉम ऑल द स्क्रैप मटेरियल। वो जितना भी अपना पुराना स्पेयर पार्ट होता है, मैकेनिकल चीज़ें खुलती हैं तो उन सब के अंदर से सामान निकलता है, उसको एक सिंपल एलिगेंट वे में वेल्ड करके ये बनाया गया है। तो आई शो यू ऑल द पार्ट एंड विल राइट अ पार्ट लिस्ट, ताकि अगर आपको दोबारा बनाना हो या कभी आइडिया आए माइंड में तो कैसे बना सकते हैं। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसा लगता है कि इतना सारा सामान कहाँ से लेके आएंगे, बट काफ़ी सिंपल असेंबली है और उस सबको बस ज्वाइन करा गया है वेल्डिंग की हेल्प से। तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। पार्ट्स मोटर बाइक, ओके। तो सबसे पहले ये एक बॉल बियरिंग है, ठीक है, सबको दिख रहा है क्लियरली। इसके ऊपर दो मेटल वायर हैं, थिक वायर्स हैं या रॉड्स हैं, एक ऊपर प्लेट है, पतली प्लेट, दैट्स इट। तो बॉल बियरिंग वन, देन मेटल वायर स्लैश रॉड। फिर आप देखो इन्होंने इंडिकेटर्स के लिए दो यहाँ पर नट्स यूज़ किए हैं, तो नट्स दो। फिर हैंडल के लिए एक और वायर लिया है, जिसको रॉड को ऐसे फोल्ड करा गया है और इसको ज्वाइन किया गया है। फिर एक और नट है, इसके ऊपर वॉशर है, एक और नट प्लस वॉशर। फिर एक स्क्रू है, एक और नट, ठीक है। तो अभी आप देखो ये फ्रंट वाला अपना पूरा पोर्शन रेडी हो गया, हैंडल है, हेडलाइट है, इंडिकेटर लाइट्स है, असेंबली है, फोक्स हैं, और ये एक मड गार्ड के लिए इन्होंने एक स्ट्रिप लिया है। तो स्ट्रिप वन, पीछे आते हैं, ये पूरा अंदर इनका एक फ्रेम है मेटालिक, विच इज़ अगेन मेड अप ऑफ रॉड्स। तो सिंपल है, एक आप फ्रेम बना लें इस तरह का, ठीक है, तो दोबारा मेटल रॉड हो जाएगी। इसके ऊपर एक कैप है, इसके ऊपर एक छोटा सा एक और नट है जो फ्यूल टैंक को बताता है, देन एक और स्ट्रिप है, और इसके ऊपर एक और स्ट्रिप है जो अपना सीट एंड पूरा मडगार्ड बनाता है पीछे का। फिर इसके लिए पीछे दोबारा से दो तीन बैक लाइट्स के लिए इन्होंने यूज़ किए हैं वापस से सिंपल शीट्स, जिसमें होल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ होल शीट, ठीक है। नीचे आते हैं, वापस से एक और बॉल बियरिंग है, तो बॉल बियरिंग एक और हो गया, फ्रेम के लिए मेटल वायर रॉड। फिर दो बड़े स्क्रूज हैं विच डिपिक्ट्स द इंजन सिलेंडर, तो स्क्रू बिग स्क्रू नंबर। देन दो मेटल कैप हैं, टोटल अभी तक वन प्लस टू कैप्स हो गई हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर दो बड़े नट्स लिए हैं जो हॉलो हैं, फिर दो बड़े नट्स। नीचे एक खाली एम्प्टी सिलेंडर है, देखिए इट इज विजिबल। फिर सिलेंडर वन, नीचे आते हैं दोबारा मेटल रॉड्स, ये भी मेटल रॉड हैं, ये तो लग रहा है जो अपना चेन होता है। अब नीचे जो इन्होंने फुट पेडल के लिए लिया है, ये एक चेन जो होती है अपनी नॉर्मल चेन, उसके पार्ट है, तो चेन असेंबली वन पीस। फिर रॉड है, फिर एक स्प्रिंग है जिसको साइलेंसर बनाया है, तो इन्होंने स्प्रिंग। फिर यहाँ पर दो और नट्स हैं, तो प्लस टू नट्स,
और ये दो कैप और हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, हर चीज़ को बस इन्होंने वेल्ड किया है सिंपल तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से। अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ शुरू से। तो ये शुरू हो के ऐसे, फिर दो नट्स ऊपर, वॉशर एंड नट, स्क्रू एंड नट जोड़ा इसको यहाँ पर, कैप लगाया, अंदर एक वायर फ्रेम जा रहा है, दो कैप्स, स्क्रू, इसके ऊपर नट लगे हैं और ये हॉलो सिलेंडर कैप है, फिर एक सिलेंडर, थोड़ा सा वायर, वायर यहाँ से फोल्ड करके लेके आए हैं, पीछे स्प्रिंग है, दो अगेन एम्प्टी कैप्स, फिर दो नट वेल्ड करके इस तरीके से इस डिज़ाइन में, और एक और बॉल बियरिंग, पीछे रियर टायर, ऊपर प्लेट फॉर द मड गार्ड एंड देन अगेन अ प्लेट फॉर द सैडल, और बस थोड़ा सा और देखा डेकोरेशन देके इट्स ओवर। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितना डिटेल में चाहिए, तो इट्स वेरी इजी। एंड अगर मैं इसको देखता हूँ तो वी जस्ट नीड फ्यू कॉम्पोनेंट्स, बॉल बियरिंग दो, मेटल वायर रॉड्स, नट्स चाहिए आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नाइन दैट्स इट, एक वॉशर, स्क्रू चाहिए आपको एक, स्ट्रिप्स चाहिए एक लंबी लिया है बाद में उसको आप कट कर सकते हैं, कैप चाहिए 5, शीट चाहिए जिसमें होल हो, पंच्ड होल्स, पंच्ड जो प्रॉपर टेक्निकल टर्म है, दो बिग स्क्रूज चाहिए, एक सिलेंडर, एक चेन असेंबली और स्प्रिंग, दैट्स इट। तो काफ़ी इजी है, आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं। I hope you must have enjoyed the video. So please like the YouTube video, comment your views and subscribe to the channel. Thanks.